बिग बाज़ार के पास। और जैसा कि हम आप लोगों को हमेशा एक नई नई जगहों को एक्सप्लोर करते हैं, फाइनली आज हम आए हैं द बैठक। ये एक फैमिली रेस्टोरेंट है। और वैसे गाइज आप बहुत सारे रेस्टोरेंट धनबाद में आपने देखा होगा, घूमा होगा, तो मैंने यहाँ के बारे सुना था। इसका इंटीरियर काफ़ी खूबसूरत है। और आप कभी भी धनबाद बिग बाज़ार आते हो तो इस रेस्टोरेंट द बैठक में आप आ करके यहाँ क्या चीज़ें हैं, मतलब क्या क्या यहाँ पे फूड है, कौन से सारे डिशेज हैं, वो आप खा करके टेस्ट करके बता सकते हैं। अगर आपको ये रेस्टोरेंट अच्छा लगा हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। और अंदर चलते हैं, क्या क्या डिशेज हैं और क्या है। सिटिंग अरेंजमेंट है यहाँ पर, आप बैठ कर के भी कुछ ले सकते हो। और इन्होंने काफ़ी अच्छा डेकोरेट करा है। फिलहाल तो ये तो काफ़ी अच्छा स्पेस है बैठने के लिए। तो यहाँ पर आपको बुकिंग करानी होती है। ये आप देख सकते हो, ये जो एरिया है यहाँ पे आप पर डे के लिए आप बुक करवा सकते हो। आपको बुकिंग के लिए कोई एडिशनल चार्जेस नहीं देनी होगी। ये जो डेकोरेशन है, जो बलून है, उसके कुछ आपको चार्जेस पे करने होंगे। अच्छा, यहाँ पे आप बुकिंग 10 लोग को आराम से बैठ सकते हैं। और यहाँ पे आप बहुत अच्छे से अपने फैमिली के साथ यहाँ मज़ा ले सकते हैं। कैसा लग रहा है बैठने में, थोड़ा सा आराम से बैठ, कंफर्ट वाली फीलिंग आ गई। अच्छा बनाया इन्होंने और ये काफ़ी खूबसूरत है। तो हम लोगों का कॉफ़ी आ चुका है अभी। तो गाइस आप देख सकते हो, हम लोगों ने कॉफ़ी ऑर्डर करा था, वो कॉफ़ी आ गया है। ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत पहले ही से आज नाला से घर में हम लोगों ने बिरयानी खाया था। ऑलरेडी जगह ही नहीं था, तो फिर हम लोगों ने सोचा क्या ऑर्डर किया जाए। ऐसे यहाँ पे बहुत सारे चीज़ें हैं, लाइक आप चाइनीज़ कॉन्टीनेंटल, बहुत सारे चीज़ें वो आप ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट टाइम फिर कभी यहाँ आना होगा। एक्चुअली हम लोगों ने सुना था यहाँ का इंटीरियर। हाँ तो भाई, हम लोग खा लिए, मतलब कॉफ़ी पिए, कैसा लगा? कॉफ़ी बहुत ही अच्छा था। और सबसे अच्छी चीज़ें है ना कि आप कहीं भी रेस्टोरेंट जाओ ना, उसके बाद वो खाने के बाद जो सॉफ और वो मीठा मीठा सा रहता है ना, वो बहुत मज़ा आता है खाने को। तो ओवरऑल द बैठक रेस्टोरेंट काफ़ी कम जगह में इन्होंने बहुत ही अच्छा वेल मेंटेन और बहुत ही अच्छा इन्होंने बना के रखा है और काफ़ी खूबसूरत है। जब आप आते हो यहाँ पर और एक यूनिक मतलब लुक चाहिए आपको, इंटीरियर लुक चाहिए, जैसे कि हर जगह टेबल चेयर होता है, इन्होंने बहुत न्यू कॉन्सेप्ट लाया है और वो है झूले का, जो कि हम बचपन में गाँव में झूला करते थे या अपने घर में। तो यहाँ पर हर स्टेज में एक झूला लगा रखा है। बच्चों के लिए छोटा झूला है और बड़ों के लिए अच्छा खासा, दो तीन लोग बैठ कर करके खा सकते हैं, बैठ करके भी खा सकते हो, और ऐसा नहीं कि टूट जाएगा, काफ़ी मजबूत है। और अलग अलग स्पेस उन्होंने दिया है बैठ के खाने वाले, जो जगह है वो भी हम आपको दिखाए हैं वीडियो में, जिसकी आपको बुकिंग करनी होगी। और अलग अलग लुक है इनका, बहुत ही खूबसूरत, बहुत कम स्पेस है, बहुत खूबसूरत जगह है। और प्राइस भी इनका खाने का उतना ही महंगा नहीं है, बस ओके ठीक ठाक है। तो आप जब भी बिग बाज़ार आते हैं, देख रहे हो बिग बाज़ार जब भी आना होता है, उसके जस्ट पहले ये जगह है द बैठक। ये रेस्टोरेंट काफ़ी अच्छा है,
तो अगर जो भी लोग वीडियो देख रहे हो, अगर इस बैठक पे आया हो, आपको जो चीज़ें अच्छी लगी वो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर मेंशन करें, और हमारे इस वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर ज़रूर करें और अपना फीडबैक दें कि आपको ये कैसा लगा। जो हम रेस्टोरेंट दिखा रहे हैं वो अच्छा है, और किस टाइप का हम रेस्टोरेंट आप ढूंढ रहे हो, जैसे कि कपल्स वगैरह ढूंढते हैं, तो आप हमें बताएं, हम हर वो शहर जा कर के जाएंगे और ढूंढ के लाएंगे। और अगर कोई हमारे साथ अगले ब्लॉग में जुड़ना चाहता है तो उनके लिए, कपल्स के लिए रेस्टोरेंट का जो भी खर्चा आएगा वो हम लोग बियर करेंगे। तो आप हमारे साथ अगले ब्लॉग के लिए जुड़ सकते हो। नोटिफिकेशन आ जाएगा, हमारे फेसबुक पेज है मार्वलस प्लेसेस, वहाँ पर आप आएँ, जुड़े और वहाँ पर से हमारे साथ चले अगले व्लॉग में। आपका पूरा जो कपल का खर्चा होता है, जो भी बियर, फूड एंड ड्रिंक हम लोग पूरा करेंगे, हम लोग पे करेंगे उसको।